प्रपोज कर ला किसी और करना ये देखिए इसका प्रपोज कर ला यार जिस माहौल में अभी असर की नमाज पढ़ के निकले हैं ये जी माशाल्लाह सुबह का माहौल है, खूबसूरत बाहर का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला सबको अपने ज़मान में रखे हो, दुनिया व आखिर की तमाम खुश नसीब फरमाए। आज का भी लोग करते हैं शुरू, सुबह फजर की नमाज़ पढ़ी है। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने एक नुस्खा था वो रगड़ाई की है, तो हाथ भी मेरे तकरीबन ख़राब हो रहे हैं। ये देखें ये सुरख सुरख से हो रहे हैं, तो वो दवाई की वजह से ही था। तो घर में कुछ पता नहीं था, बाहर इतनी ठंड है, बाहर कुछ माहौल बहुत ठंडा सा है, हवा चल रही है काफ़ी मज़े की, तो अभी कुछ सर्दी महसूस हो रही है। क्यों रात तो हम पंखा चला के सोते हैं कमरे में, क्यों मच्छर वगैरह इस मौसम में आ जाता है तो काफ़ी तंग करता है। तो अभी बाहर निकले हैं तो कुछ पता चला कि बाहर कुछ अभी ठंड है, तो बाहर का माहौल काफ़ी खूबसूरत है। सुबह का टाइम है, बादल भी हो रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा व्यू है। आप दोस्तों को अभी दिखाते हैं, ये देखें ये हवा बहुत ज़बरदस्त चल रही है और ये हम सूरज निकल रहा है अभी। ये देखें हवा काफ़ी ज़बरदस्त है, तो ये माहौल भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। हवा जैसे चल रही है ना, तो मेरा भी दिल कर रहा है कि इधर से वापस चले जाएं, क्यों सर्दी कुछ ज़्यादा महसूस हो रही है। मैंने कुछ भी नहीं पहना है, तो वैसे ही बैठा था, अचानक से दवाई को पीसा है ना तो फारग बैठे थे। मैंने कहा चलो बाहर का कुछ माहौल देख के आते हैं, तो मुझे नहीं पता था बाहर इतनी ठंड होगी। तो अभी रहता बस इधर से वापस चलते हैं, ये बारीक सा रास्ता है। मैं कल इधर दो बार बचा हूँ गिरने के लिए, तो मोबाइल में बिजी था तो पता नहीं चला, अचानक से पाँव मेरा इधर इस साइड पे फिसल चुका था। तो क्यों साइडों से काफ़ी गहराई है, इधर भी है इधर भी है। घर वापस आ गए हैं, क्यों सर्दी काफ़ी थी, हवा बहुत ज़बरदस्त चल रही थी, तो उसकी वजह से बाहर रुकना काफ़ी मुश्किल था। क्यों मैंने कुछ भी नहीं पहना, सिर्फ अकेली कमीज पहनी हुई थी, इसीलिए वापस आ गए। तो अभी कमरे में अपने में सुबह तकरीबन 10:30-11 बजे से सोया हूँ, तो अभी टाइम ये हो रहा है 2:45 हो रहे हैं, तो अभी जागा ही है। अभी बस मुँह धोते हैं, उसके बाद नमाज वगैरह पढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्यों आज पता नहीं क्यों अचानक से इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी। अभी भी उठने का दिल नहीं कर रहा मेरा, तो अभी जल्दी से उठते हैं, मुँह वगैरह तो धोते हैं, फिर देखते हैं। एक पीस फ्राई हो रहा है, ये अभी मैरिनेट की है, तो अभी इसको रखेंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। तो ये दिल कर रहा था इसलिए एक पीस अभी रखा हुआ है, ये फ्राई करेंगे, बाकी को मैरिनेट होने देंगे। कमरे से निकला हुआ सीधा इधर आया हूँ अभी, तो अभी मुँह हाथ भी नहीं धोया है, तो अभी बस वही धोएंगे, बस ये थोड़ा सा चेक करेंगे इसका जैका, क्योंकि वो मैरिनेट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो ये तो जल्दी जल्दी में लगे हुए हैं। की करिए ये दिन है अभी हैं, एंजॉय का दिन है ना। अभी असर की नमाज पढ़ के निकले हैं, यार यार थल्ले थोड़ी जाना चारे
वो छोटा सा बच्चा आ गया था बाइक के आगे। किसका बच्चा था ये बता? डॉग का है। डॉग का था, कुत्ते का था, तो इसको नजर नहीं आ रहा था। ये नजर आ रहा है, नजर आ रहा था तो मैंने रोका था। नहीं, तू भी नीचे होना था उसके। तो अभी हम अपनी दूसरी जमीन की तरफ जा रहे हैं। कल हम अब्बा जी का, अब्बा जी ने सुबह भी हमें बताया था कि इधर मक्की बिजी हुई है, तो मुझे नहीं पता था। तो अभी उसी की सूरत हाल देखने के लिए निकले हैं। स्लो रख यार, तो स्लो तो मोटरसाइकिल। तो अभी देखे क्यों हवा सुबह से बहुत क्या। सुबह की गल दसा, सुबह में निकले हैं वही बाहर निकलन लिए सुबह। मैं क्या बाहर का माहौल देख के आइए, तो थोड़ी दूर गया बन्ने तक। हवा नहीं, हवा इतनी ठंडी, सर्दी लगे पाया कुछ भी नहीं सी। लाओ अपनी फसल आ गई, मैं उत्थे वापस आ गया। मैं तो तीन भी बुला लगा थी, मैं यार इन्हें लेके चलते ना। ये देखें, ये हमारी मक्की की बिजाई हुई हुई है। तो मुझे लग रहा है काफ़ी दिन से हो रही है, मुझे आज पता चला है। तो माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त है, खूबसूरत भी है। नवीद आ की बीजा आया नाल, इन्होंने मैंने ये नहीं समझ आई कोई चीज है बेचे ना। एक मक्की है पल्ली साइड दे, एक खेल दे कुछ और है, एक खेल दे और कुछ और देला उत्थे कुछ और लगा आ। ए मूंगी तो नहीं कि मैं देखदा अगे हो गए। नवीद इधर मौसम ठंडा होता है इसीलिए उस वक्त सर्दी लग रही थी। अभी कुछ महसूस नहीं हो रहा, काफी मजे का मौसम है और मजा भी आ रहा है। और ये भाई हमें प्रपोज करने वाले हैं। तो अभी बस चलते हैं वापस। मैं सारा कुछ मौसम भी काफी खतरनाक है, बारिश का हर तरफ बारिश फैली हुई है। तो हमने इसका इलाज बताया वो अपने दूसरे चैनल पे भी, तो दो तीन बार बताया। अगर उसका विजिट करना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका भी विजिट करिएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो अभी चलते हैं वापस, फिर देखते हैं घर का माहौल कैसा है, घर में क्या पका है। अभी तक तो कुछ नहीं पका था, आया था तो पकौड़े बन रहे थे। अभी जाके देखेंगे कि बने हैं कि नहीं बने। ये हमारा शाम का खाना है, फिश है फ्राई की है, जो मैंने दोपहर मैरिनेट की थी वो फ्राई की हुई है। और साथ ये धनिए मिर्चे की चटनी है, साथ रोटी है। लाइट गई हुई है कमरे में, इसलिए मोबाइलों की लाइट चलाई हुई है। ये देखो मोबाइल की लाइट चल रही है।